मैं आज से 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने एक ऑडिशन लिंक सेंड किया था, इंस्टाग्राम पे मिला था, येलो कलर करके कुछ था, तो उसमें एक अतरंगी रे का ऑडिशन था, तो मैंने उसमें दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, और फिर उन्होंने मुझे बोला था कि रजिस्ट्रेशन फी लगेगी आपके 2650 रुपये, और ये आपको पे करने होंगे 3 बजे से पहले पहले, 3 बजे के बाद नहीं कर सकते आप, नहीं तो आपका ऑडिशन लॉक नहीं करेंगे हम, ये शॉर्टलिस्ट। तो क्या ये फेक था या फिर जेन्युइन था? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कुंदन। आपने कहा अतरंगी रे, पहली बात तो बता दूं कि अतरंगी फिल्म में ही हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास की एक 10 साल की बच्ची काम कर रही है, अक्षय कुमार के साथ, सारा अली खान के साथ आ रही है, वही फिल्म है। लेकिन उसने कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं दिया है, उसने सीधे सीधे ऑडिशन दिया। अब आपका ये था कि उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं तो उनको तो उनका एक्टर मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसा? मैंने कहा था ना, ये आपके लालच और डर से खेलते हैं। और क्या कहा, 3 बजे तक जमा करना, नहीं तो आपको लॉक नहीं करेंगे। क्यों नहीं लॉक करेंगे? अगर आप एक्टर के तौर पे सेलेक्ट हो गए तो उनका तो काम यहाँ पे खत्म होता है, तो वो अपना काम बढ़ा क्यों रहे हैं? तो 2500 उन्होंने बोला था कि 5 मिनट का सीन रहेगा आपका, और ये आपका 2 दिन का शूट रहेगा और दिल्ली में रहेगा, और अभी अक्षय सर का कहीं और शूटिंग चल रहा है, वो फिर दिल्ली में आएंगे, जब शूट होगी तब आपका आपको भी बुलाया जाएगा, खाना पीना सब कुछ यहीं से रहेगा, और बस यही। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने पे नहीं किया, मैंने सीधे मना कर दिया कि सॉरी सर, मैं अभी कहीं और हूँ, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मैं डायरेक्ट मना नहीं कर पाया था। होता यही है कि हमको मना करना है, हम सही हैं, लेकिन गिल्ट हमको ही होता है, जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यार, आपका शॉर्टलिस्टेड होगा, सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका काम खत्म हो गया। अब आपसे 2500 रुपये मांग रहा है। फिर उसने क्या बोला, देखो डर दिखाया आपको, लालच दिखाया शॉर्टलिस्ट हो गए, डर दिखाया कि 3 बजे तक ही करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर लालच दिखाया कि खाना पीना सब कुछ हमारे साथ रहेगा। और आपको लगता है वाकई कुंदन आज हम लोग की इतनी वैल्यू है कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर हमें ये बोलेगा क्या, अक्षय सर तो अभी कहीं और शूट कर रहे हैं, फिर बाद में आपके साथ भी, इतनी वैल्यू है कि हमारी, क्यों इतनी सारी बातें बता रहा है हमारी? वो तो बोलेगा करना है करो, नहीं करना मत करो, सिंपल। और दूसरी बात, आपको जो क्लास में मैंने बताया वही चीज आ गई कि वो रसीद दिखा रहा है दूसरों की, कि देखो इन्होंने भी पे किया है। तो उसका मेन इंटेंशन क्या है? मेन इंटेंशन उसका आर्टिस्ट ढूंढना नहीं है, मेन इंटेंशन उसका आपसे 2500 रुपये लेना है, इसलिए वो सबूत दिखा रहा है। देखो जैसे सेल्स पर्सन आते हैं ना मोहल्ले में, शर्मा जी ने 2 लिए हैं आप भी ले लो, वर्मा जी ने 4 लिए हैं आप भी ले लो, ये तो वही सेल्समैनशिप हो गई, समझ पा रहे हो? तो बट सर, जब जब उनका कॉल आया था ना मेरे पास, तो सर फ्रॉड करके लिखा हो रहा था, फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर, और उसके किसी ने रिपोर्ट किया होगा ना, आजकल ये अच्छी फैसिलिटी हो गई है। यस, और उसके बाद मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया था येलो कलर का, तो उसमें तो सब चीज आ रहा था कि येलो कलर के क्या क्या है नहीं है, तो क्या उन्होंने जानबूझ के वो फोटो लगा के उन्होंने ऐसे फ्रॉड अकाउंट क्यों नहीं बन जाते? रेड चिलीज के नाम से फ्रॉड होता है, बालाजी के नाम से सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, तो बड़े बड़े नामों के साथ सबसे फ्रॉड होता ही है, तो इनसे बच के चले, इन चक्करों में ना तो पड़े। सर, तो सर कैसे कैसे जज कर सकता हूँ कि ये वाला कास्टिंग इंस्टा पे ये रियल है ये फेक? मैंने आज ही बताया आपको, जो सबूत दिखाए, गारंटी दे, फोर्स करे, वो फेक है, और वो काम तीनों इन्होंने किए, राइट अच्छा, ना? अगर डायरेक्टर अगर डायरेक्टर जैसे मैंने सर्च किया डायरेक्टर के बारे में इंस्टा पे, अगर इंस्टाग्राम पे अगर डायरेक्ट में क्या उनको अपना प्रोफाइल सेंड कर सकता हूँ? जब उनकी रिक्वायरमेंट हो, जब आपने उनको फॉलो कर लिया, तो जब भी कास्टिंग की इंफॉर्मेशन होगी वो पोस्ट करेंगे, करेंगे ना नहीं, डायरेक्ट तभी। डायरेक्टर तो नहीं करते हैं सर। पर डायरेक्टर क्यों क्यों करोगे? डायरेक्टर कास्टिंग करेगा ही नहीं, कास्टिंग तो कास्टिंग डायरेक्टर करेगा। हम लोग में यही एंजाइटी बड़ी गड़बड़ हो जाती है कुंदन, कि अगर एक दिन में आज मैं आपको 1000 नंबर और पेज दे दूं ना, आज आप 1000 को आज ही भेज दोगे, ये कि बार में सबको भेज दूं काम मिल जाएगा, नहीं, उनके यहाँ जब जब पोस्टिंग होगी तब फायदा उठाना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है?
एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can, I will...